सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज गाइस है डे टू ऑफ वेट गेन प्रोग्राम, रनर्स वेट गेन प्रोग्राम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ट्रेन करेंगे बेसिकली हमारी चेस्ट को और हमारे ट्राइसेप्स को। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा कि कितने रेप्स कितने सेट्स आपको करने हैं अपनी चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि गाइस हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है, रनर्स की बॉडी, अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसके आगे भी अगर आप स्प्रिंटर हो, एक रनर हो, आपको कुछ ऐसी बॉडी चाहिए होगी। और ये बॉडी खाली रनिंग करके नहीं बनाई जा सकती, आपको जिम करना पड़ेगा। और रनिंग बेसिकली एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको बॉडी की सारी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो खाली हाथ की जान नहीं लगती, खाली पैर की जान नहीं लगती, खाली पेट की जान नहीं लगती, बॉडी की हर एक मसल को ट्रेन करना पड़ता है अगर आप एक सक्सेसफुल रनर बनना चाहते हो। तो डे वन में डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो डे वन देखो, उसमें मैंने लेग्स ट्रेन करे थे। आज है डे टू, आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स को। टोटल 6 वीडियोस होने वाले हैं सीरीज़ में। जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं गाइस, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको हेल्प करेगा आपकी रनिंग गोल को अचीव करने में, कॉम्पिटिशन तक आपको पहुँचा के, वहाँ उसमें जितवाने में। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हो। अगर मेरे लाइफस्टाइल को देखना चाहते हो तो व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना गाइस। मैं गिव अवे रखने वाला हूँ, जिसमें से आप में से कोई एक स्पेशल होगा जिसको मैं गिफ्ट दूंगा। उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं जल्दी इंस्टाग्राम पर बताऊंगा, तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर लो। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट की मीट्स हैं, कब होंगी, कहाँ होंगी, जैसी मेरे पास कोई अपडेट आएगा वो भी मैं इंस्टाग्राम पर ही डालूंगा स्टोरी पे। तो मेरे को इंस्टाग्राम पर पक्का से फॉलो कर लेना गाइस। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की जो हमें करनी है। बेसिकली क्या होता है, हम कोशिश करेंगे, कोशिश मतलब मैंने जिस हिसाब से डिज़ाइन करा है कि जो मसल ज़्यादा बड़ी है उसको पहले ट्रेन करेंगे और जो मसल छोटी है उसको बाद में ट्रेन करेंगे। तो अगर हम चेस्ट और ट्राइसेप्स की बात कर रहे हैं, तो चेस्ट मसल बड़ी है तो हम पहले चेस्ट को ट्रेन करेंगे। चेस्ट को हम कैसे ट्रेन करेंगे गाइस, आप इस वीडियो में ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं लगाऊंगा वाइड ग्रिप पुशअप्स। वाइड ग्रिप पुशअप्स का मतलब क्या होता है कि जब हम पुशअप्स लगाने वाले हैं तो जो ग्रिप होती है, ग्रिप यानी कि हमारे हाथ के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर शोल्डर लेवल है तो हमारे शोल्डर ट्रेन होते हैं, यानी कि मेरे शोल्डर यहाँ तक हैं। तो ऐसे अगर मैं इसको वाइड कर लूँ पुशअप लगाते वक्त, अगर मैं इसको वाइड कर लूँ जैसे कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, तो गाइज़ हमारी चेस्ट ट्रेन होगी। अगर मैं इसको क्लोज़ कर लूँ तो फिर हमारे ट्राइसेप्स ट्रेन होंगे। तो अभी हमें सबसे पहले हमारी चेस्ट को ट्रेन करना है। तो मैं अपने आर्म्स को ऐसे रखूँगा वाइड, और ऐसे आपको 12 से 15 पुशअप्स लगाने हैं। अगर आप इजीली, कुछ लोग पुशअप्स नहीं लगा पाते स्टार्टिंग में, अगर आपसे नहीं लग पाते कोई बात नहीं, जितने लग सके उतने ट्राई करने हैं। अगर आपसे लग जाते हैं 12 से 15, गुड। अगर आपसे 12 से 15 बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको वेट्स लेने हैं, प्लेट्स, उसको अपनी पीठ पर रख लेना है और फिर पुशअप मारने हैं। अगर आपके पास वेट्स प्लेट्स नहीं हैं, एक बैग ले लीजिए, बैग में ईंटें वगैरह भर लीजिए, अच्छी खासा वेट, उसको टांग के फिर पुशअप्स लगाइए ताकि उन पुशअप्स को लगाने का असर हो। अगर आपने 12-15 पुशअप्स लगा लिए और आपको लग रहा है आप उससे ज़्यादा लगा सकते हो, तो हमें ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि हम वेट लूज़ के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वेट गेन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हमें रेप्स कम रखने हैं, वेट ज़्यादा रखना है, टेंशन ज़्यादा रखनी है और रेपिटेशंस कम रखने हैं। तो हम 12 से 15 ही लगाएंगे, मगर अगर आपसे 12 से 15 ईजिली लग जाते हैं तो आप कोई बैग लीजिए, उसमें वेट भरिए, ताकि जब 15वां रेप हो, जब आप 15वीं बार नीचे से ऊपर आ रहे हो तो हालत टाइट हो जाए। ऐसे इसी से आपकी जो मसल है वो फटेगी, ग्रो होगी। तो पहले हमें सबसे पहले हम एक्चुअली मैं इसको सुपर सेट की तरह यूज़ करूँगा, जिसमें मैं 2 एक्सरसाइज रखूँगा। उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपको 15 पुशअप लगाने हैं। 15 पुशअप जैसे ही ख़त्म हो जाएँ उसके बाद आपको डिप्स लगानी है। डिप्स क्या होती हैं, जैसे मैं इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी पार्क में जाके कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, घर पे कर सकते हैं वैसे तो आप इसको, जहाँ पे भी आपको ऐसे दो जगह चीज़ मिल जाए जिस पर अपने हाथों को होल्ड कर सकें। यहाँ पे मैं 2 चेयर ले रहा हूँ, नीचे जाऊँगा ऊपर आऊँगा, ऐसे करके मेरे को 8 से 10 रिपीटेशन लगाने हैं। अगर आपसे ईजिली लग जाते हैं 8 से 10, फिर से वो बैक टांग लीजिए और फिर लगाइए, क्योंकि टेंशन क्रिएट होनी चाहिए, उसी से मसल ग्रो होगी। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइस, ये दोनों आपके चेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। एक बार चेस्ट का वर्कआउट पूरा हो जाता है उसके बाद हम, और हाँ, कितना रेस्ट लेना है एक एक सेट के बीच में ध्यान से सुनिएगा। 15 पुशअप लगाए, उसके बाद इमीडिएटली डिप्स लगाई, उसके बाद हमें 2 मिनट का रेस्ट लेना है, गिन के 2 मिनट का, और फिर हम दोबारा से ये करेंगे 15 पुशअप्स, डिप्स, फिर 2 मिनट का रेस्ट, ऐसे करके 4 से 5 सेट, 5 सेट, क्योंकि पहला सेट वार्म अप सेट ही होगा। उसके बाद 4 सेट होंगे वर्किंग सेट्स, यानी कि पहले सेट में तो बॉडी बस वार्म अप ही कर पाएगी, उसके बाद जो 4 सेट होंगे उनसे असर होगा। तो ये तो था चेस्ट का वर्कआउट। इसके बाद हम 2 मिनट का रेस्ट लेंगे पूरा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद, और फिर हम ट्राइसेप्स पे उतरेंगे। ट्राइसेप्स पे गाइस हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, स्टार्ट करेंगे हम डायमंड पुशअप से, यानी कि अपने हाथ को यूँ रखेंगे। अब गाइस बहुत लोग ऐसे करके पुशअप्स नहीं मार पाते कि हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, आपसे नहीं लग पाता कोई बात नहीं, एक लग रहा है ठीक है, पहला दिन है एक लग रहा है ठीक है, कोई भी एक दिन में चैंपियन नहीं बनता, 1-2 महीना 3 महीना लग सकते हैं,
कोई इशू नहीं है, आपको ट्राई करना है, मगर क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स में जान लाएगी। अगर आपसे नहीं लग रहा है इसका मतलब आपके ट्राइसेप में जान नहीं है, तो इसका मतलब आपको जान बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो आपको डायमंड पुशअप्स लगाने हैं। अगर आपसे लग रहे हैं गुड, 12 रेप्स इसके लगाने हैं, क्योंकि चेस्ट के बाद ज़्यादा जान नहीं बचेगी, 15 तक खींचने की बच रही है तो ठीक है, मगर 12 ही लग जाएँ वो भी बहुत है। अगर ईजिली लग पा रहे हैं इसके बाद भी, बहुत एडवांस्ड हो, बैक टांगो और फिर लगाओ। जिनसे नहीं लग पा रहे कोई बात नहीं, जितने लग रहे हैं उतने लगाओ, मगर लगाने हैं। एक बार ये हो जाए इसके बाद हमें मैं डंबल यूज़ करूँगा, हमें कुछ ये वाली एक्सरसाइज करनी है बेसिकली। और इसमें आपके पास अगर डंबल नहीं है तो आप उसी बैग को लीजिए, हाथ से पकड़िए और हाथ ऐसे पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, इससे भी आपके जो ट्राइसेप्स हैं अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। आप घर पे इससे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ओमिक्रॉन वगैरह चल रहा है, बहुत लोग जिम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए वर्कआउट आपको घर पर ही बॉडी ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये एक और चीज़ थी। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको चेस्ट की करनी है। अगेन दोनों के आपको मिनिमम 8 कम और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रेप्स लगाने हैं दोनों एक्सरसाइज के। सेम पहले आप डायमंड पुशअप्स लगाओगे, लगा लिए, उसके तुरंत बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे। इसका नाम मेरे को ऑनेस्टली नहीं याद आ रहा है, क्योंकि आई फोकस ऑन डूइंग द एक्सरसाइज रादर देन रिमेंबरिंग इट्स नेम। सो आप ये एक्सरसाइज करोगे और ये दोनों एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर से रिपीट करोगे 10 उस एक्सरसाइज के, 10 एक्सरसाइज के जितने आपसे लग पाए, 8, 10, 12 दोनों एक्सरसाइज करोगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर दोनों एक्सरसाइज करोगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लोगे, ऐसे करके इसके आपको सिर्फ 4 सेट लगाने हैं। अगर 3 भी लग जाते हैं वेल एंड गुड, कोशिश करिएगा 3 लग जाएँ, मगर अगर 4 लग सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खींचना अपनी बॉडी को, ये एक और चीज़, अपनी बॉडी को आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खींचना। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, रुक जाइए, पहला दिन है, पहला हफ्ता है, पहला महीना है, कोई बात नहीं। ज़्यादा पुश करोगे इंजरी हो सकती है, तो उतना ही पुश करना है जितना बॉडी सह सके, ज़रूरत से ज़्यादा पुश नहीं करना है। एंड ये करने के बाद आपका चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट हो जाएगा। ज़्यादा मैं खींच नहीं रहा वर्कआउट को, ये वर्कआउट आधा घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। आगे जाकर जब हम एक एडवांस वर्कआउट करेंगे तो हम एक्सरसाइजेस भी बढ़ा सकते हैं और रेप्स और सेट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक एडवांस एथलीट हो गाइस, अगर आपको एक एडवांस वर्कआउट चाहिए तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, 999 मेरे चार्जेस हैं, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको एडवांस वर्कआउट लिख के दे सकता हूँ जो आपकी बॉडी के हिसाब से हेल्प करेगा। ये वर्कआउट बेसिकली बिगिनर्स के लिए, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको रनिंग करते हो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ या आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं करा, तो ये वर्कआउट आप पे डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। सो गाइस, वर्कआउट के बाद बहुत ज़रूरी होता है हमें एक अच्छा सा मील लेना, यानी कि खाना खाना, क्योंकि वर्कआउट के बाद हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 6-पैक न्यूट्रिशन का 5:1 टर्बो चार्ज फार्मूला, जो कि हेल्प करेगा आपकी बॉडी के मास को ग्रो करने में, आपको आपके रनिंग गोल को अचीव करने में। इसमें गाइस आपको मिलेंगे 11 विटामिन और 23 से 24 ग्राम प्रोटीन की सर्विंग एक स्कूप में आपको मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा हैवी स्कूप लेते हैं तो आपको 24 ग्राम्स तक की सर्विंग मिल जाएगी। एंड ये आपको हेल्प करेगा आपकी मसल्स को रिकवर करने में, मसल्स को ग्रो करने में। इसको आप वर्कआउट के बाद ले सकते हो, मैं इसको प्रेफर करता हूँ सोने से पहले लेना, मेरे को एक तब ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको जब चाहो तब ले सकते हो। वर्कआउट के बाद इमीडिएटली अगर आप खाना नहीं मतलब एकदम से बना हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको ले सकते हो। ये आपकी बॉडी में इमीडिएटली जाएगा, डाइजेस्ट होगा और आपकी मसल्स में जाके लगेगा, जो कि हेल्प करेगा आपकी मसल्स को ग्रो करने में। इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। और कोई डाउट है तो 6-पैक न्यूट्रिशन का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके आप क्वेरी भी पूछ सकते हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू फॉलो माई इंस्टाग्राम व्लॉग चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब करो एंड मेरे को सपोर्ट करो गाइस। और थर्ड वीडियो बहुत जल्दी आएगा, एंड तब तक के लिए एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।